हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 डिवाइड बाय x + 1, x - 1/2, x + 5 और 5 + 2x। जब हम इन नंबर से, इन पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो इसको हम करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, और बहुत ही आसान से होते हैं बच्चों के क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से समझना और आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, हमें पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल है हमारा x³ + 3x² + 3x + 1। ओके, पहला इसको डिवाइड करना है x + 1 से, डिवाइड करना है। जो हमें डिवाइड करना है उसको जी एक्स लेट कर लेते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू x + 1। जब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें जिससे हमें डिवाइड करना है, जो हमारा डिवाइजर है, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 आएगी। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, ये इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पर हम -1 रखेंगे, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। सो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे यहाँ पे। सो ये -1 का क्यूब -1 क्यूब + 3 × -1² + 3 × -1 और +1। -1 का क्यूब होता है -1 + -1 का स्क्वायर +1 और × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, +3 × -1 = -3 और +1, -1 + 3 + -3 और +1, 3 से 3 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। सो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जब हम इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे इसको, तब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड हमें दिया है x - 1/2 से डिवाइड करना है। सो x - 1/2 के इक्वल टू हम 0 रखेंगे यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू हमारा 1/2 आ जाएगा। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x के प्लेस पर आप पुट करोगे 1/2, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है, 1/2 का होल क्यूब +3 × 1/2 का होल स्क्वायर + 3 × 1/2 और +1। 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा 1/8 +3 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 +3 × 3/2 और +1। 1/8 +3 × 1 = 3/4 +3/2 और +1/1। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम हमारा 8, 4, 2, 1 का हो जाएगा 8। 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12 + 8 = 8, इनको हम ऐड कर देंगे, 12 × 8 = 26 और 1 = 27, तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 27/8। सिमिलरली हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे ओनली x दिया हुआ है, सो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ में कोई भी वैल्यू नहीं, सो हम इसमें 0 पुट करेंगे, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर देंगे, 0³ + 3 × 0² + 3 × 0 और +1। सो ये तो सब वैल्यू हमारी 0 हो जाएंगी, हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 4 हमें दिया है x + π, तो x + π = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -π। आप रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जहां जहां x है इसमें x को रिप्लेस करेंगे -π से, सो -π³ + 3 × -π² + 3 × -π और +1, -π² है तो माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाएगा, ये 3π² हो जाएगा, -3π और +1, और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इसका। ऐसे ही हम पार्ट नंबर 5 करेंगे।
फाइव प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे जो हमें दिया है, इसके इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू, ये फाइव इधर आके माइनस और ये टू अपॉन, तो x के प्लेस पर हम माइनस फाइव अपॉन टू रखेंगे, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन टू और प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन एट, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव, थ्री जा सेवेंटी फाइव, प्लस सेवेंटी फाइव अपॉन टू और थ्री फाइव जा माइनस फिफ्टीन अपॉन टू और प्लस वन, एलसीएम लेंगे सबका, एलसीएम हो जाएगा हमारा टू फोर एट का एलसीएम एट, तो माइनस वन ट्वेंटी फाइव, फोर टू जा एट सेवेंटी फाइव, टू जा वन हंड्रेड फिफ्टी, माइनस टू फोर जा एट फिफ्टीन, फोर जा सिक्सटी और प्लस वन, हमारा यहाँ पे वन फिफ्टी और वन वन फिफ्टी वन, माइनस इस माइनस सिक्सटी और माइनस वन ट्वेंटी फाइव ऐड हो जाएंगे, ये सिक्स एट वन वन एट्टी सिक्स अपॉन एट, माइनस कर देंगे सिक्स माइनस वन इजकल टू फाइव, एट माइनस फाइव इजकल टू थ्री, माइनस थर्टी फाइव अपॉन एट, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। चलिए हमें जो ये हमें दिया गया है पोलिनोमियल, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, ये हमारा पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, उसको डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से, तो डिविजर को हम मान लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स माइनस ए को इजकल टू जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी ए आ जाएगी, सो बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम एक्स इजकल टू ए पुट करेंगे रिमाइंडर के लिए, तो रिमाइंडर क्या होगा एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे यहाँ पे, सो ये ए का क्यूब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए रखना है, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए और माइनस ए, ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा और ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, या कैंसिल सिक्स माइनस सिक्स ए माइनस ए इक्वल टू कितना होगा फाइव ए, और यही हमारा रिमाइंडर और यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड, थर्ड पार्ट में बताना है चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड नहीं, हमें बताना है कि सेवन प्लस थ्री एक्स जो है इसका एक फैक्टर है या नहीं है, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा, फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है, अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर होगा और रिमाइंडर जीरो है जीरो नहीं है, आर जो है नॉट इक्वल टू जीरो है तो फैक्टर ये नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स और हमारा जी एक्स जो है वो है सेवन प्लस थ्री एक्स, तो हम क्या करेंगे सेवन प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे और एक्स इजिकल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस सेवन अपॉन थ्री। अब ये जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में रिमाइंडर के लिए, तो रिमाइंडर हमारा थ्री इंटू एक्स की वैल्यू माइनस सेवन अपॉन थ्री और प्लस सेवन इंटू माइनस सेवन अपॉन थ्री, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से थ्री इंटू माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री, सेवन अपॉन थ्री का क्यूब है ना, अपॉन ट्वेंटी सेवन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री अपॉन नाइन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, देखिए ये तो जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस है, सो सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स आंसर, ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये फैक्टर होता, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है।